अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अज़ीज़ तलबा, हम लोग दुरुसुल लगा में तमरीन पढ़ रहे थे। आज हम लोगों को इस्मे आला के बारे में पढ़ना है। इस्मे आला किसे कहते हैं, पहले हम लोग ये जानेंगे। इस्मे आला वो इस्म है जो फ़ेल सुलासी से बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? ताकि वो हमें उसके बारे में बतलाए जिसके जरिए से फेर वाक़े हुआ है। जैसे मिफ्ताह का माना क्या होता है? चाबी। इसमें आला किसे कहते हैं? वो इस जो फेर सुलासी से बना हो। क्यों फेर सुलासी से बना हो? ताकि वो हमें उसके बारे में बतलाए जिसके वास्ते से, जिसके जरिए से काम हुआ है। मिफ्ताहुन का माना क्या होता है? चाबी। यह हमें किसके बारे में बतला रहा है? यह हमें उस औजार के बारे में बतला रहा है, उस आले के बारे में बतला रहा है जिसके वास्ते से, जिसके जरिए से खोलने का काम हुआ है। समझ में आ रही बात? तो इसमें आला किसे कहते हैं? वो इस जो हमें उस औजार के बारे में बतलाए, उस आले और उस हथियार के बारे में बतलाए जिसके वास्ते से, जिसके जरिए से कोई काम हुआ। जैसे मिफ्ताह हमें क्या बता रहा है? यह हमें उस आले के बारे में बता रहा है जिससे खोलने का काम हुआ है। बात समझ में आ रही है? देखिए एक दूसरी मिसाल ले लीजिए। मिकनसत्व का माना होता है झाड़ू। मिकनसत्व हमें किसके बारे में बता रहा है? एक आले के बारे में बता रहा है, एक औजार के बारे में बता रहा है जिसके जरिए से सफाई का काम होता है। मिकनसत्व झाड़ू, यह हमें किसके बारे में बता रहा है? उस औजार आला किसे कहते हैं? वो इस जो हमें उस औजार के बारे में बताए, उस आले के बारे में बताए जिससे काम किया गया है या जिससे काम हुआ हो। मिकनसत झाड़ू, यह हमें किसके बारे में बता रहा है? उस औजार के बारे में बता रहा है जिससे सफाई का काम हुआ। बात समझ में आ रही है जी? किताब देख लीजिए। अब हाँ, इसी तरह से ये भी जान लीजिए कि इसमें आला के तीन अवसान हैं। इसमें आला तीन अवसान का है। नंबर एक मिफ़ाल, नंबर दो मिफ़ाल, नंबर तीन मिफ़ाल। तो इसमें आला कितने अवसान पे आता है? तीन अवसान पे। मिफ़ालुन, मिफ़ालुन और मिफ़ालतुन, यानी फेल से इसमें आला जब हम लोग बनाएंगे तो मिफ़ालुन या मिफ़ालतुन के वज़न पर बनाएंगे। अब सवाल यह पैदा होता है कि किस फेल का इसमें आला मिफ़ालुन के वज़न पर बनाएंगे, किस फेल का इसमें आला हम लोग मिफ़ालुन के वज़न पर बनाएंगे, किस फेल का इसमें आला हमें फालतू को वजन पर बनाएंगे। सवाल समझ में आ रहा है? सवाल क्या पैदा हो रहा है कि मिफालुन, मिफालुन और मिफालतू किन अफाल का इसमें आला हम मिफालुन को वजन पर बनाएंगे, किस फेल का इसमें आला मिफालुन और किस फेल का इसमें आला मिफालतू के वजन पर बनाएंगे। तो इसका जवाब क्या है? जैसा जो कलिमा इस्तेमाल होता है, जैसे मिकनसतुन का नसा जो है ये मिफालतुन के वजन में इस्तेमाल होता है, तो कनसा से हम लोग इसमें आला मिफालतुन ही के वजन में बनाएंगे। मिफ्ताहुन फत,
कहां से इसमें अलग मिफालुन के वजन पे आता है, मशहूर क्या है किसके वजन पे आता है, मिफालुन के वजन पे आता है, तो फतहा से हम लोग इसमें आला मिफालुन के वजन पे बनाएंगे। इसी तरह से बारदा एक कलिमा है, एक फेल है, इसका इसमें आला बनाना है, इसका इसमें आला मिफालुन के वजन पे बनता है, तो हम किसके वजन पे बनाएंगे, इसका इसमें आला मिफालुन के वजन पर बनाएंगे। समझ में आ रही बात, तो हम पहले अफ़आल को देखेंगे, फिर उसके बाद में उस अफ़आल का इसमें आला कैसे बनता है, किस वजन पे ज्यादा आता है, उसको देख करके फिर हम लोग उस फेल का इसमें आला बनाएंगे। समझ में आ रही बात, किताब देख लीजिए, कलिमतु मिफ्ताह, कलिमे मिफ्ताह जो है माखूदतुन मिन मस्दरी फतहा यफ्तहु, फतहा यफ्तहु के मस्दर से माखूज है, फतहा यफ्तहु के मस्दर से बना हुआ है। क्यों फतहा यफ्तहु के वजन से मिफ्ताह बना हुआ है, लिद्दलालती दलालत करने के लिए, अला आलतिल फतही खोलने के आले पर, लिद्दलालती बतलाने के लिए, अला खोलने के आले के बारे में। कलिमतु मिफ्ताह, कलिमे मिफ्ताह माखूज़तुन मिन मस्दरी फतहा यफ्तहु के मस्दर से बना हुआ है, फतहा यफ्तहु के मस्दर से निकला हुआ है। क्यों ये फतहा यफ्तहु के मस्दर से मिफ्ताह बनाया गया है, लिद्दलालती दलालत करने के लिए, अला आलतिल फतह खोलने के आले पर, लिद्दलालती अला आलतिल फतह खोलने के आले के बारे में बतलाने के लिए। वतुसम्मा इस्मा आलतिन, और इसका नाम इसमें आला रखा जाता है, यानी मिफ्ताहुन का नाम क्या रखा जाता है, इसमें आला। इसमें आला किसे कहते हैं, नीचे तारीफ दी गई है, इस्मुल आलति, इसमें आला इस्मुन मसूहुन, एक ऐसा इस्म है जो बनाया जाता है, मिनल फेल सुलासी, किससे जी, फेले सुलासी से, इस्मुल आलती इस्मुन मसूहुन, इसमें आला ऐसा इस्म है जो बनाया जाता है, मिनल फेल सुलासी, फेले सुलासी से, लिदलालती दलालत करने के लिए, अला उस पर, मा वकाल फेल बिवासितती ही, जिसके वास्ते से फेल वाक़े हुआ है, जिसके जरिए से फेल हुआ है। इस्मुल आलती इसमे आला, इस्मुल मसूबुन मिनल फेल सुलासी, ऐसा इस्म है जो फेल सुलासी से बनाया जाता है, लिद्दलालती अला मा वकाल उस पर दलालत करने के लिए, जिसके वास्ते से फेल हुआ है, जिसके जरिए से फेल वाके हुआ है, या उसके बारे में बतलाने के लिए, जिसके वास्ते से, जिसके जरिए से काम हुआ है। जैसे मिक नसर, ये इसमें आला क्यों बनाया गया है, ताकि ये हमें उसके बारे में बतलाए जिससे सफाई का काम किया गया है, जिससे सफाई का काम हुआ है। बात समझ में आ रही है जी। आगे देखिए, लिस्मिल आलती सलासतु औज़ान, इसमें आला के तीन औज़ान है, मिफालुन मिफालुन मिफालत, मिफालुन जैसे मिफ्ताह, मिफालुन जैसे मिबरदुन, मिफ़ालतुन जैसे मिकनसतुन। अगली तमरीन देखिए, सुग मिनल अफ़ालिल आतियति अस्मा अल आलति अला वज़्न मिफ़ाल, सुग तू बना मिनल अफ़ालिल आतियति, आने वाले अफ़ाल से,
अस्माल आलती इसमें आला, अला वजन मिफाल मिफालुन के वजन पर। सुगमिन अल अफाल अल आतियति अस्माल आलती अला वजन मिफाल, तू आने वाले अफाल से मिफालुन के वजन पर इसमें आला बना। तो आगे जो अफाल आ रहे हैं उनका इसमें आला हमें मिफालुन के वजन पर बनाना है और इनका लुगवी माना लिख करके लाना इन अफाल का। इसी तरह से जब वो इसमें आला बन जाएगा तो उसका क्या माना होगा ये भी लिख के लाना है। बस उनमें आ रही है सुख मिनल अफाल आतियति अस्माल आलती अला वजन मिफाल। सुख तू बना मिनल अफाल आतियति आने वाले अफाल से अस्माल आलती इसमें आला अला वजन मिफाल मिफालुन के वजन पर। सुख मिनल अफाल आतियति अस्माल आलती अला वजन मिफाल, तू आने वाले अफाल से मिफालुन के वजन पर इसमें आला बना। तो आगे जो अफाल आ रहे हैं उनका इसमें आला हमें मिफालुन के वजन पर बनाना है। इसी तरह से इन अफाल का हम लोग मसदरी माना लिखेंगे और इसमें आला जब बन जाएगा तो उसका क्या माना होगा वो भी लिख के लाएंगे। सुख मिनल अफाल आतियति अस्माल आलती अला वजन मिफाल, तू आने वाले अफाल से मिफालतुन के वजन पर इसमें आला बना। तो आगे जो अफाल है उनके साथ भी वही करेंगे। अगली तमदीन देखिए अय्यन अस्माल आलती फी मायाति वज़कुर वज़न कुल वाहिद मिनहा। अय्यन तू तय्यन कर अस्माल आलती इसमें आला की, फीमा याति उसमें जो आगे आ रहे हैं। अय्यन अस्माल आलती फीमा याति तू इसमें आला की तय्यन कर उनमें जो आगे आ रहे हैं। वज़कुर वज़न कुल वाहिद मिनहा और इनमें से हर एक के वजन का तू जिक्र कर। तो आगे जो जुमले आए हुए हैं उसमें हमें इसमें आला छांटना है और वो किस वजन पे आए हैं मिफालुन या मिफालतुन या मिफालुन के वजन पर ये भी बतलाना है। इसी तरह से उर्दू में तर्जमा भी करना है। समझ मेरी बात। अज़ीज़ तलबा आज के सबक में बस इतना ही। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।